सन 1955 की ये खिली हुई धूप, ये सुबह भी रोज ही की तरह उतनी ही खूबसूरत है। अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ्लाइट संख्या 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए फ्लाइट की तैयारी कर रही है। इसमें जाने वाले सभी 57 यात्री एयरपोर्ट की अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं और अभी एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं। ये सभी अपनी कुछ मनपसंद चीज़ें खरीद रहे हैं जो इनको शायद इनके खास दोस्तों या परिवार वालों को मायामी पहुंचकर गिफ्ट करनी है। तभी एक एयर होस्टेस माइक पर आकर एक घोषणा करती है कि फ्लाइट संख्या 914 उड़ान के लिए तैयार है, इसलिए इसमें जाने वाले यात्री कृपया प्लेन में बैठने के लिए गेट की तरफ प्रस्थान करें। थोड़ी ही देर में सभी 57 यात्री कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ये सभी आज बहुत खुश हैं क्योंकि इनमें से कोई आज अपने परिवार के पास जा रहा है तो कोई यारों दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने। लेकिन इनमें से कोई ये नहीं जानता कि ये फ्लाइट इनकी ज़िंदगी की सबसे लंबी, भयानक और यादगार फ्लाइट होने वाली है। आज ये फ्लाइट 57 यात्रियों के साथ 4 क्रू मेंबर भी बोर्ड कर रहे हैं। फ्लाइट संख्या 914 अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है क्योंकि इसको सुबह 9:55 पर मियामी लैंड करना है। टेक ऑफ करने के बाद कुछ ही क्षण बीते हैं और ये फ्लाइट ATC के रडार की स्क्रीन से दिखनी बंद हो जाती है। जी हाँ, फ्लाइट संख्या 914 बिल्कुल किसी जादू की तरह गायब हो चुकी है। हर तरह से इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की जाती है पर ये प्लेन अब दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है और अपने पीछे ना तो अपने, ना किसी क्रू मेंबर के और ना ही किसी यात्री के कोई निशान छोड़ गया है। कुछ छोड़ गया है तो बस कुछ अटकलें और कुछ सवाल। दोस्तों, रेस्क्यू टीम्स लगाई जाती हैं लेकिन गायब हुए इस प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। कई महीनों की गहन जांच के बाद अथॉरिटीज ये निष्कर्ष निकालती हैं कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होकर इतने बड़े समुद्र में कहीं डूब गया है क्योंकि ज़मीन पर तो कहीं से कहीं भी कोई मलबा नहीं मिला है। परिणाम स्वरूप वो एयरलाइन सभी यात्रियों के परिवार वालों को कुछ मुआवजा राशि दे देती है और ये केस बंद कर देती है। अब आपको लेके चलते हैं इस घटना के 37 साल बाद। आज दिनांक 9 सितंबर 1992 है। वेनेजुएला का एक शहर है कैराकस। कैराकस एयरपोर्ट पर सभी ATC कंट्रोलर अपनी रोज़मर्रा के रूटीन कार्य में व्यस्त हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर में यहाँ कुछ बिल्कुल विचित्र होने वाला है। एकदम अचानक ही कहीं से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार की स्क्रीन पर एक नया डॉट उभरने लगता है। किसी को इस अनजान प्लेन की भनक तक नहीं लगती। 5 मिनट से भी कम समय में ये अनजान प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को उनकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। शुरुआत में तो ये प्लेन ATC को कोई सामान्य प्लेन ही लगता है पर जैसे जैसे ये पास आता है ATC को समझ आ जाता है कि ये वास्तव में एक बहुत पुराना मैकडोनल्ड डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट है जिसमें मॉडर्न प्लेन्स की टर्बाइन की जगह सामने पंखे लगे हुए हैं। जब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस प्लेन को पहली बार देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये प्लेन इतना पुराना होकर भी हवा में कैसे है। उन्होंने इस प्लेन के लिए वास्तव में जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था रग्ड, जिसका मतलब होता है उबड़ खाबड़।
अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि समय कितना बदल चुका था। बाकी प्लेन्स की तुलना में जो कि एकदम चमचमाते मॉडर्न प्लेन्स थे, ये प्लेन ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरी ही दुनिया से यहाँ आ गया है। अचानक से नज़र में आए इस रहस्यमय DC-4 डगलस प्लेन को देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्लेन बिना किसी रडार के पकड़ में आए कैसे हवा में पहुंच गया है और अब आगे इसका क्या करना है। लेकिन तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अपने रेडियो पे एक मैसेज सुनाई देता है, वेयर आर वी, मतलब हम कहाँ हैं। पायलट बताता है कि हम पैन अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट संख्या 914 जो कि न्यूयॉर्क से मियामी 57 यात्रियों और 4 क्यू मेंबर्स को लेकर जा रही है से बोल रहे हैं। अब इसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनको बताता है कि पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 गलत दिशा में आ गई है और आप अपने बताए गए स्थान से करीब 1100 मील की दूरी पर हैं। इस जानकारी के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कंफ्यूज हो जाता है और प्लेन क्रू से कुछ ऐसा पूछ बैठता है जो उसे शायद नहीं पूछना चाहिए था। वो पूछता है कि क्या आपका प्लेन कहीं क्रैश हो गया था या आपका कहीं किसी और के साथ संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। पर इसका कोई जवाब उसको पायलट की तरफ से नहीं मिलता है और आखिरकार वो प्लेन को लैंड करने की इजाज़त दे देता है। अभी तक सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था और प्लेन ज़मीन पर सकुशल लैंड कर भी जाता है। तभी पायलट जवाब देता है कि हमको मियामी में 2 जुलाई 1955 की सुबह 9:55 पर लैंड करना था। इस पर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जवाब दे बैठता है कि आप लोग कैराकस में लैंड करे हो और वास्तव में ये 9 सितंबर 1992 है। जैसे ही दोनों पायलट ये बात सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आती हैं। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिक्योरिटी को आदेश देता है कि वो रनवे पर जाएं और प्लेन के सामने जाकर खड़े हो जाएं ताकि यात्रियों को सकुशल प्लेन से निकाला जा सके। पर जैसे ही गार्ड प्लेन के सामने आते हैं पायलट उनको पास ना आने का इशारा करता है। रेडियो के ऊपर एक पायलट जवाब देता है कि हमारे पास मत आओ, हम सब निकल रहे हैं, और इसके बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अनुसार वो प्लेन हवा में जाते ही एक बार फिर से रडार से गायब हो जाता है। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज इस प्लेन को ढूंढने के लिए 3 फाइटर जेट भी भेजती हैं ताकि वो उसको घेर कर नीचे ला सकें, पर उनको भी उस प्लेन का कुछ पता नहीं चलता। हालांकि कैराकस से निकलने के कुछ ही घंटों बाद ये प्लेन पैन अमेरिका फ्लाइट 914 मियामी के उसी एयरपोर्ट पर सकुशल लैंड कर जाती है जहां के लिए इसने अब से 37 साल पहले उड़ान भरी थी। जाहिर सी बात है कि यहां भी मियामी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उतने ही आश्चर्यचकित हुए जितना कि कैराकस में। इसके आते ही एक जांच टीम पूरे प्लेन की जांच करती है और पाती है कि ये वही सेम प्लेन है जिसने अब से 37 साल पहले यानी कि 2 जुलाई 1995 को न्यूयॉर्क से उड़ान भरी थी। ये भी जाहिर सी बात है कि इस घटना ने जांचकर्ताओं के दिमाग में कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार स्टाफ ने सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को छोड़ दिया ताकि वो अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से मिल सकें। लेकिन मजे की बात यहाँ यह है कि इन सभी परिवार वालों के लिए उनके खोए हुए परिवार जन से मिलने से ज़्यादा बड़ा सरप्राइज ये था कि वो दिख कैसे रहे हैं, क्योंकि सारे क्रू मेंबर और यात्री बिल्कुल वैसे के वैसे थे जैसे 37 साल पहले सन 1955 में उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की थी
जबकि उनके परिवार वाले 37 साल बूढ़े हो चुके थे। आज तक ये एक रहस्य ही है कि कैसे प्लेन इतने सालों तक हवा में रहा। आज तक इसका एक भी पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया कि फ्लाइट 914 को आखिर क्या हुआ था। एक थ्योरी ये भी है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का कुछ हाथ हो सकता है इस प्लेन के गायब होने में, क्योंकि पिछले 70 सालों में कई प्लेन इसी तरह बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास गायब हो चुके हैं, जबकि जांचकर्ताओं ने इस थ्योरी का पूरी तरह से खंडन कर दिया है। इस खबर की इतनी रहस्यमयी कहानी होने के बावजूद केवल एक अखबार ने इसको छापा था, इसलिए सबूतों के अभाव में बहुत से जांचकर्ताओं ने कई कॉन्ट्राडिक्टरी सबूतों की वजह से ये फाइनली निष्कर्ष निकाला कि पैन अमेरिकन 914 का गायब होना वास्तव में कभी हुआ ही नहीं था। पर जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया वो आज भी इसको याद करके अचंभित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी कहानी पैन अमेरिकन फ्लाइट संख्या 914 की, जो अपने टेक ऑफ करने के बाद 37 साल बाद लैंड हुई, जिसको आज तक एक अनसुलझा रहस्य माना जाता है। तो दोस्तों, आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या आपको मेरी ये कहानी पसंद आई? अगर आई तो कमेंट में लिखिए, इस कहानी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में और भी इस टाइप की और मनोरंजन रहस्यमयी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। धन्यवाद।